बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। एक समय नेमिषारण्य तीत में सेनाकृत 28,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा, हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्य को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिलेगी तथा उनका उद्धार कैसे होगा। इसलिए हे मुनिश्रेष्ठ, कोई ऐसा तप कहिए जिससे थोड़े समय में पुण्य प्राप्त होवे तथा मनवांछित फल मिले। वह कथा सुनने की हमारी इच्छा है। सर्वशास्त्र ज्ञाता श्री सूत जी बोले, हे वैष्णवो, मैं आप पूज्य आप सबने प्राणियों की हाथ बात पूछी है। अब मैं उस श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों से कहूँगा जिस व्रत को नारद जी ने लक्ष्मी नारायण से पूछा था और लक्ष्मीपति मुनि श्रेष्ठ नारद से कहा था। सो ध्यान से सुनो। एक समय योगी राज नारद जी दूसरों की इच्छा से अनेक लोकों में घूमते हुए मृत्यु लोक में आ पहुँचे। यहाँ अनेक योनियों में जन्मे हुए प्राय सभी मनुष्यों को अपने कर्मों द्वारा अनेकों दुखों से पीड़ित देख कर सोचा कि किस यत्न के करने से निश्चय ही प्राणियों के दुखों का नाश हो सकेगा। ऐसा मन में सोचकर विष्णु लोक को गए और वहाँ श्वेत वर्ण और चार भुजाओं वाले देवों को ईशा नारायण को देखकर, जिनके हाथों में शंख चक्र गदा और पद थे तथा वरमाला पहने हुए थे, और स्तुति करने लगे। हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं। मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती। आपका आदि मध्य अंत नहीं है। निर्गुण स्वरूप सृष्टि के आदि भूति व भक्तों को दुखों को नष्ट करने वाले आपको मेरा बारंबार नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है। नारद जी की इस प्रकार स्तुति सुनकर विष्णु भगवान बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, आपके लिए आपके मन में क्या है? आपका किस काम के लिए आगमगन हुआ है? निसंकोच कहो। तब नारद मुनि बोले, मृत्यु लोक में सब मनुष्य जो अनेक योनियों में पैदा हुए हैं अपने अपने कर्मों के द्वारा अनेक प्रकार से दुखों से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, मुझ पर दया रखते हो तो बतलाइए कि उन मनुष्यों के सब दुख थोड़े से ही प्रयत्न से कैसे दूर हो सकते हैं। श्री भगवान जी बोले, हे नारद, मनुष्य की भलाई के लिए तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है। जिस काम के करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है वह मैं कहता हूँ। सुनो, बहुत पुण्य देने वाला स्वर्ग तथा मृत्यु लोक में दोनों में दुर्लभ एक उत्तम व्रत है। आज मैं प्रेमवश होकर तुमसे कहता हूँ, सत्यनारायण का यह व्रत अच्छी तरह विधि पूर्वक करके मनुष्य आरुपरांत यहाँ सुख भोग कर मरने पर मोक्ष को प्राप्त होता है। श्री भगवान के वचन सुनकर नारद मुनि बोले कि उस व्रत का क्या फल है और क्या विधान है और किसने इस व्रत को किया है और किस दिन यह व्रत करना चाहिए। भगवान बोले, दुख शोक आदि को दूर करने वाला, धन दान को बढ़ाने वाला, सौभाग्य तथा संतान को देने वाला यह व्रत सब स्थानों पर विजयी करने वाला है। भक्ति और श्रद्धा के साथ किसी भी दिन मनुष्य सत्यनारायण की शाम के समय ब्राह्मणों और बंधुओं के साथ धर्मप्राण होकर पूजा करे। भक्तिभाव से नैवेद्य केले का फल, घी दूध और गेहूं का चूड़ा सवाए लेवे। गेहूं के अभाव में साठी का चूड़ा, शक्कर, गुड़ ले और सब भचड़ योग्य पदार्थ जमा करके अर्पण कर दे, भगवान को अर्पण कर देवे तथा बंधुओं सहित ब्राह्मणों को भोजन करावे। तत्पश्चात भोजन करे, नृत्य गीत आदि का आचरण कर सत्यनारायण भगवान का स्मरण करता हुआ समय व्यतीत करे। और इस तरह व्रत करने पर मनुष्य की इच्छा निश्चय पूरी होती है। विशेषकर काली काल में भूमि पर यही मोक्ष का सरल उपाय है। अगर जो भक्त पूर्णमासी को इस व्रत को नहीं कर पाए वो संक्रांति को भी कर सकते हैं। बोलिए राधे राधे, जय श्री सत्यनारायण भगवान की जय। पहला अध्याय समाप्त, दूसरा अध्याय प्रारंभ। सूत जी बोले, हे ऋषियों।